आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। संक्रमण के मामले में भारत टॉप 3 देशों में शामिल हो गया है। आंकड़ों के अनुसार यहां अब तक 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। लेकिन अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में कोरोना से कम मौतों को रहस्यों और आंकड़ों को विरोधाभासी बताया है। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज वॉशिंगटन पोस्ट के इसी दावे को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं आज तक में स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले ऋचिक मिश्रा से। तो ऋचिक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में कोरोना की मौतों का आंकड़ा रहस्य है, ये आखिर अखबार के ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है? अमन, देखिए दो चीजें हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं कोरोना संक्रमितों की और कोरोना की वजह से मारे जाने वाले लोगों की, वो सिर्फ वही है जो सरकार के पास है। हमारे यहाँ सुदूर गांव में भी अब ये बीमारी पहुंच चुकी है और गांव से शहर तक इलाज कराने आना या नहीं आ पाना, तो उस वजह से कई लोगों की मौत अगर हो भी रही होगी तो उसका कुछ अंदाजा लग नहीं पा रहा है। तो जानकारी जो है वो उसका कोई दस्तावेजीकरण 100% सही नहीं हो रहा है, ये एक अनुमान है। विरोधाभास इस वजह से है क्योंकि दूसरी चीज ये है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें अब देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर संक्रमित लोग हैं और करीब 26,000 से कुछ ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये जो रेशियो है संक्रमित लोगों की तुलना में मरने वालों की, ये कई देशों की तुलना में हमारा बहुत कम है। तो यहाँ ये देखना है, जैसे अमेरिका या ब्राजील देखें तो वहां पे 10 लाख की संक्रमित जो लोग थे, 10 लाख संक्रमित लोगों में से करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि भारत में ये आधे से कम है। हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है भारत का मौसम। यहाँ पे कोरोना वायरस का स्ट्रेन कौन सा है, किस तरह का वायरस है, जैसे 6 वायरस खोजे गए अब तक कोरोना वायरस के, 6-7 स्ट्रेन है, उसमें से एक स्ट्रेन यहाँ पे है, वो है जेनेटिक है और इम्यूनिटी सिस्टम है। ऋचिक, आपने स्ट्रेन और इम्यूनिटी की बात की, तो भारत में किस तरह का स्ट्रेन है और यहाँ लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होने के पीछे क्या वजह है? देखिए, ये 4 फैक्टर्स हैं, चारों एक साथ काम करते हैं, एक कोई एक वजह नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ हफ्तों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो जेनेटिक कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो सीधे चाइना से नहीं आया है, हमारे यहाँ जो स्ट्रेन है वो यूरोपियन कंट्रीज से और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होते हुए आया है, क्योंकि उन देशों में हमारे बहुत से स्किल्ड लेबर काम करते हैं और ये जो कुशल कामगार हैं ये वहां पे संक्रमित हुए और वहां से आए। तो स्ट्रेन ह्यूमन बॉडी पे अलग अलग तरह से असर करता है। अब दूसरा आता है मौसम, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट है, उन जगहों पे मौसम एक जैसा ही रहता है लगभग। यूरोपियन कंट्रीज में ठंड रहता है, चाइना के बहुत से हिस्से में ठंड रहती है, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां पे गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। लेकिन भारत इस मामले में बहुत बेहतर है, यहाँ 4 मौसम है, चारों मौसम में कई बार बीमारियां जो है वो घटती बढ़ती रहती है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फ्लू होता है या सर्दी जुकाम होता है वो मौसमी होता है, मौसम बदला और आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा और वो ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से भारतीय लोगों की इम्यूनिटी जो है वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, श्वसन प्रणाली से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनसे तारतम्य बिठा चुकी हैं, मतलब वो इम्यून हो चुकी हैं। तो एक ये बड़ा रीजन है। उसका जाता है इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना मजबूत हुआ कैसे। भारत में जो मसाले यूज किए जाते हैं खाने में, चाय में, या आप किसी भी तरह की जो कुजींस बनाते हैं, डेलिकेसीज बनाते हैं, उसमें जो यूज करते हैं दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल, ये इनका एक अलग औषधीय गुण है, ये इनका एक बहुत पावरफुल मेडिकेशन होता है, ये शरीर में जाते हैं तो आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। जैसे काली मिर्च पाउडर अगर आप चाय में डाल के पीते हैं तो आपको सांस या गले से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम नहीं होती, कफ नहीं बनता है, और दमा के मरीजों के लिए तो मतलब ये रामबाण है। तो जो लोग काली मिर्च और अदरक का लगातार उपयोग कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस जो है, श्वसन प्रणाली या सांस से संबंधी जो बीमारियां हैं, उनसे तो वो बहुत बचे रहते हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो सांस संबंधी बीमारी है, सांस के थ्रू वो शरीर में जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मसालों की वजह से, मौसम की वजह से, जीन की वजह से
और स्ट्रेन कम घातक हो रही है, चारों हैं। ये चारों की वजह से जो है भारत में मौतों की संख्या कम है, संक्रमित ज्यादा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी है वो आपको किसी न किसी दिन तो जद में ले लेगी। बचाव ही उसका इलाज है। जो अमन में आपको बता रहा था कि ये मसाले और जो सुरक्षा के बचाव सरकार ने आपको बता रखे हैं वो फॉलो करते रहे तो बचे रहेंगे। अच्छा, हम वॉशिंगटन पोस्ट के दावे पर लौटेंगे तो रिचिक, अखबार ने किन आंकड़ों के आधार पर ऐसा कहा है कि भारत में मौतों के आंकड़े विरोधाभासी हैं? देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के पास दो आंकड़े मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पे भारत में तीन चार बड़े शहरों से आंकड़े मांगे थे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लेकिन उन्हें आंकड़े शायद मुंबई से ही मिले हैं जो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और बाकी जगहों से मिले नहीं है। तो मुंबई का जो आंकड़ा है, अगर आप देखेंगे पिछले साल की तुलना में इस साल मई के महीने में 6131 मौतें ज्यादा हुई हैं। इस साल मई में 12963 मौतें हुई थी, जबकि पिछले साल मई में 6832 मौतें हुई थी, मतलब 6131 मौतें ज्यादा है। इन 6131 मौतों में 2200 से कुछ ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी के जो 3800 या 4000 मौतें हैं वो अन्य बीमारियों की वजह से हैं। एक आंकड़ा ये है वॉशिंगटन पोस्ट के पास ये कहने का कि मौतों की संख्या कम है। दूसरा, उन्होंने आंकड़े लिए हैं मोर्चरी से, जो शवदाह गृह है, मोर्चरी है और जो कब्रिस्तान है या शमशान है, वहां से जो आंकड़े रजिस्टर में एंट्री होते हैं वहां से उठाए हैं कि भाई पर डे इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने इन अपने आंकड़े बताए। और इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में विरोधाभास शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि दोनों कंडीशंस जो है ना, आप देखेंगे इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन का रेट और डेथ रेट बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी देशों की तुलना में। तो रिचिक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। आज तक रेडियो की मौजूदगी अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है। वहां जाकर आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और हाँ, आज तक रेडियो के पॉडकास्ट अब स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। आप वहां जाकर भी हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।